फ्रेंड्स, आप बीमार हो और आपको स्कूल से 4 या 5 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप इस एप्लीकेशन को लिखकर अपने हेडमास्टर को दे सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, राइट एन एप्लीकेशन टू दी हेडमास्टर फॉर सिक लीव। ठीक है, आप बीमार हो और आपको छुट्टी चाहिए 4 या 5 दिन की। ठीक है, देखो टू किसको लिखना है, दी हेडमास्टर। ठीक है, आपके स्कूल का नाम, यहाँ पर मैंने मेरे स्कूल का नाम डाला, आपको आपके स्कूल का नाम डालना है। नेक्स्ट आपके गांव का नाम और स्टेट का नाम। ठीक है, अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है, किस लिए आपको छुट्टी चाहिए, अप्लीकेशन फॉर सिक लीव, आप बीमार हो और आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट में लिखा हमने। नेक्स्ट देखो रिस्पेक्टेड सर, अब देखो आपको क्या लिखना है, आई बेग टू से दैट आई एम इल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 5 डेज। यहाँ पर आपको जितने दिन छुट्टी चाहिए उतने दिन आप डाल सकते हैं, मैंने 4 या 5 दिन डाले हुए हैं। सो काइंडली ग्रांट माई लीव फॉर 4 5 डेज, आई शॉल बी यूटरली ऑब्लिक। हो गया, इतना ही मैटर लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट, थैंकिंग यू अहेड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आपको अपना नाम, अपने क्लास का नाम और डेट, और राइट साइड में कॉर्नर में आपको लिखना है यू आर फेथफुली। यहाँ पर मैंने मेरा नाम डाला, आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है, आपके क्लास का नाम और डेट। ठीक है, तो इस टाइप का मैटर आपको लिखना है एप्लीकेशन में, आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है।